अभिमान, स्वाभिम, अहंकार, देखा जाए तो ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनका मूल आधार एक ही, स्वाभिमान। अब यदि बात की जाए आपके देह, आपके संस्कृति, आपके संबंधों की, तो अभिमान होना श्रेष्ठ। यदि बात की जाए आपके व्यक्तित्व की, आपके आदर्शों की, आपके विचारों की, तो स्वाभिमान होना एक गुण। यदि ऐसा कहा जाए कि मैं ये कार्य बिना किसी की सहायता से, बिना किसी के संयोग से कर सकता, तो ये स्वाभिमान और ये उचित। यदि ऐसा कहा जाए कि मैंने ये कार्य बिना किसी की सहायता से या बिना किसी के संयोग से कर लिया, तो ये अभिमान, ये भी उचित है। किंतु ये कार्य केवल और केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं, ये अहंकार। तो इन शब्दों को और भावों को समझने का प्रयास कीजिए, जीवन जीने का एक नया मार्ग मिल जाएगा। राधे राधे।